हमने किया है एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा, किस तरह से पुलिस वाले बेचते हैं अपराधियों से जब्त किए गए हथियार, वो हथियार जो अदालत में होते हैं बहुत बड़े सबूत। और हमारी इस खबर का असर हुआ है, जो तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है मेरठ का सब इंस्पेक्टर करण सिंह है और उस मालखाने का इंचार्ज है। अब से कुछ देर पहले हमारी खबर दिखाने के तुरंत बाद करण सिंह को मेरठ में गिरफ्तार कर लिया गया है, तो यह असर हुआ है। लेकिन यहां पर हम आपको यही बताना चाहते हैं कि न सिर्फ हथियार बेचे जाते हैं बल्कि ड्रग्स भी बेचे जाते हैं। और जरा सा अगर आप सोचें, ध्यान दें, तो जो एनकाउंटर्स होते हैं, जिन पर सवाल उठते हैं, जिन मुठभेड़ों पर कि ये मुठभेड़ नकली भी हो सकती है, तो वहां पर जो हथियार आते हैं वो हथियार कहां से आते हैं, कोई भी खरीद सकता है ये हथियार। और ये किया है हमने एक बेहद सनसनीखेज खुलासा स्टार न्यूज और कोबरा पोस्ट ने। वर्दी वाले यमराज हथियारों से लेकर हेरोइन तक ये बेचते हैं, यहां पर सब कुछ बिकता है। वर्दी वाले करते हैं मौत का सौदा, जीती जाती मौत उगलती मौत, और मौत वो भी निकलती है सरकारी माल खानों से। तो ये था हमारा आज का बेहद सनसनीखेज खुलासा। इसका असर ये हुआ है कि मेरठ के सब इंस्पेक्टर करण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हम आपको ये बता दें कि फर्रुखाबाद के डीएम ने भी हमें दिया है भरोसा।